जम्मू कश्मीर में आतंकियों को मिटाने के लिए अब राष्ट्रीय राइफल्स को असम राइफल्स का साथ मिलने वाला है। जी हां, अब जम्मू कश्मीर में आतंकियों के निपटारे के लिए 1500 और भारतीय सुरक्षा बलों की तैनाती का फैसला लिया गया है। और सबसे खास बात ये कि 1500 भारतीय सुरक्षा बल असम राइफल्स के होंगे। जम्मू में बढ़ती आतंकी घटनाओं को देखते हुए बड़े पैमाने पर अब फैसले लेने शुरू किए जा चुके हैं। हालांकि ऐसा बहुत कम देखने को मिला है, लेकिन स्थिति और विपत्ति जिस तरीके से आन पड़ी है उसके बाद ये फैसला लेना आवश्यक हो गया था। असम राइफल्स के करीब 1500 जवान अब अपने मुख्य क्षेत्र से हटकर जम्मू में तैनात किए जाएंगे, यानी वेस्टर्न फ्रंट से नॉर्दर्न फ्रंट पर यहाँ आतंकी हमले हो रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ये पहली बार होगा जब पूर्वोत्तर के मित्र के रूप में पहचाने जाने वाले इस बल को जम्मू में तैनात किया जाएगा और जल्द ही जम्मू कश्मीर में इसका एक छोटा सा बेस भी बनाया जा सकता है। भारतीय सेना के संचालन नियंत्रण में असम राइफल्स काम करती है और इस बल में भारतीय सेना के अधिकारी शामिल होते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि पहली बार है जब भारतीय सेना के नियंत्रण में दो बल राष्ट्र राइफल्स और असम राइफल्स जम्मू में तैनात किए जाएंगे। राष्ट्र राइफल्स और असम राइफल्स अब मिलकर आतंकियों का खात्मा करने के लिए जम्मू में मौजूद होंगे। खबरों की माने तो मणिपुर से भी सैनिकों को लाया जा सकता है, जहां केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल असम राइफल्स के परिचालन क्षेत्र को संभालेगी। यानी असम में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल मोर्चा संभालेगी तो असम राइफल्स के ये 1500 जवान जम्मू कश्मीर में जम्मू के जंगलों में घुसे आतंकियों का सफाया करेंगे। बता दें, इस वक्त का सबसे बड़ा बदलाव देखा जा रहा है जब जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं तेज हैं और जम्मू में अलग अलग जगह पर प्राकृतिक गुफाओं का सहारा लेकर आतंकी छिपे हुए हैं, और वो भी तब जब जानकारी ये मिल रही है कि पाकिस्तान के SSG कमांडो आतंकी बनकर जम्मू के जंगलों में घुस आए हैं। तब SSG कमांडो का सामना करने के लिए काफी तेज, घातक और ट्रेंड कमांडो की जरूरत जम्मू में पड़ने वाली है। लिहाजा इन आतंकियों के निपटारे के लिए अब बड़े पैमाने पर भारतीय सुरक्षा बल बड़ी प्लानिंग के साथ एक्शन मोड में आ गई है। मकसद साफ है कि इंडियन आर्मी बड़े पैमाने पर जम्मू में ऑपरेशन चलाना चाहती है। ज्यादा समय ना गवाते हुए जम्मू में आतंकवाद को मिटाने के लिए ये फैसला लिया गया है। बता दें, अब तक राष्ट्रीय राइफल्स जम्मू के क्षेत्रों में अलग अलग जगह पर अलग अलग टुकड़ियों में आतंकियों का निपटारा कर रही थी, लेकिन अब राष्ट्रीय राइफल्स को असम राइफल्स का साथ मिलेगा और आतंकियों की शामत आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।